झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार द्वारा स्थानीयता को बढ़ावा देने वाले बयान के बाद अब आदिवासी मूलवासी संगठनों ने प्रदेश सरकार पर स्थानीय नियोजन नीति लाने का दबाव बढ़ा दिया है। झारखंड के करीब 35 छोटे बड़े संगठनों ने इसको लेकर हेमंत सरकार को 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इन संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि यदि इस तिथि तक मौजूदा सरकार ने कोई घोषणा नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा राजनीतिक गलियारों से निकलते हुए अब सामाजिक गोलबंदी की ओर तेजी से बढ़ने लगा है। राज्य के करीब 35 आदिवासी मूलवासी संगठनों ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। झारखंड की स्थानीय नीति और नियोजन नीति की घोषणा के लिए राज्य सरकार को 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इन संगठनों का कहना है कि इस अवधि तक राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट ना होने पर बड़े आंदोलन का आगाज होगा। आदिवासी मूलवासी संगठनों की अगुवाई कर रहे कर्मा उराव ने कहा कि जिस वायदे के साथ हेमंत सरकार राजगद्दी पर आई है उसे पूरा ना होने पर वे चुपचाप बैठने वाली नहीं है। राज्य गठन के 21 साल बाद भी यहां के स्थानीय लोगों को स्थानीय नीति का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।